तो फ्रेंड इसमें लेग गट का जो बोल्ट लगता है ना फ्रेंड, वो ऐसे बोल्ट टूट गया, वो 10 नंबर थ्रेड वाला होता है। तो हम ले आए लेद में, ठीक है ना, बेल्डिंग करके खुलना पड़ेगा। तो ये ऐसा पोजिशन है, खुलने का सिस्टम है, तो छेनी से काट के निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। जो उस तरफ था वो फिर निकल गया, वेल्डिंग करके निकल गया, ये नहीं निकलता, इसलिए काट के फिर दूसरा बोल्ट सेटिंग कर देगा। उन्होंने बोला बहुत कमजोरी दे दिया KTM ड्यूक में, ये कमजोरी करते हैं बहुत। तो करते हैं। तो फ्रेंड चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साइड में बेल आइकन घंटी मिले उसको प्रेस करें, ताकि आगे जितना भी वीडियो डालेंगे चैनल में तो आपका नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहे। इसे काटना पड़ेगा ठुक ठक के, ठीक है ना। तो बैटरी का वायर भी खुल दिया, वेल्डिंग का काम था उस तरफ, वेल्डिंग करके निकाल दिया, दोनों तरफ प्रॉब्लम होगा लगभग, काट दिया। फिर दूसरा वेल्डिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। देखो भाई ऐसा गाड़ी में अगर हाथों मारेंगे तो बनता सुगा भाई, ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो काम तो करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम होने से काम करना ही पड़ेगा फिर। चलो निकल जाओ। तो फ्रेंड यहाँ पे नया बोट बॉडी भी तैयार होता है और बोट बॉडी रिपेयर होता है, यहीं पे आ गए हम लोग वेल्डिंग करने के लिए। तो वीडियो में बने रहे, देखिए कैसा क्या करता है। টাকা না পেলে ভালো হইতো, তাই না? লম্বা লাগবে।